ढाका में हुकामी हुए आतंकी हमले को लेकर बांग्लादेश के सूचना मंत्री हसन उल हक ने बड़ा बयान दिया है। हक ने हमले के लिए पाकिस्तान की ओर इशारा किया है। हक ने कहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश का पुराना सियासी दुश्मन रहा है। हक के मुताबिक एजेंसी आईएसआई का बांग्लादेशी आतंकी संगठन जमात ए इस्लाम के साथ संबंध रहा है। आईएसआई के नेटवर्क बांग्लादेश अभी भी है। हसन उल हक ने कहा है शेख हसीना इस तरह के तत्वों को खत्म कर रही थी, इसलिए सरकार को अस्थिर करने के लिए इस तरह की साजिश रची जा सकती है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार हुसैन तौफिक इमाम ने भी ढाका आतंकी हमले के पीछे आईएसआई का हाथ होने की आशंका जताई है। हमले के बाद से ढाका में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जामान खान ने दावा किया है कि हमले में शामिल सभी आतंकी बांग्लादेश के नागरिक थे, जिसमें से 5 की कई आपराधिक मामलों में पुलिस को तलाश भी थी। ये सभी जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकी थे। हुसैन तौफिक इमाम के मुताबिक जमातुल मुजाहिदीन के आईएसआई से रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं। जमातुल मुजाहिदीन 1996 में मौजूद था। उसका इसी साल फरवरी में बांग्लादेश सरकार ने जमातुल मुजाहिदीन पर बैन लगा दिया था। जमातुल मुजाहिदीन की मांग बांग्लादेश में इस्लामी शासन लागू करने की है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के लिए भी जमातुल मुजाहिदीन को जिम्मेदार माना जा रहा है। ढाका में हुए आतंकी हमले का वीडियो सामने आया है। ढाका के अखबार ने फेसबुक पर यह वीडियो जारी किया है। न्यूज़पेपर का दावा है कि शनिवार सुबह 7:30 बजे रिकॉर्ड किया गया है ये वीडियो। दिल्ली में बाबा बंदा सिंह बहादुर की 300वीं शहादत पर खास आयोजन किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी शामिल हुए। बाबा की याद में पीएम मोदी को सिक्के भेंट किए गए। गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती पर खास कार्यक्रम का आयोजन होगा। पीएम मोदी ने 100 करोड़ देने का ऐलान किया है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की घर वापसी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। मांझी को एक मंत्री पद और 6 निगम आयोग बोर्ड की जिम्मेदारी मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। सभी पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं और बीएसपी के अध्यक्ष मायावती आज मीडिया से बात की और राज्य की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया और अखिलेश सरकार पर सवाल भी खड़े किए। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मायावती ने मोदी सरकार को भी घेरा। माया के मुताबिक जब केंद्र में यूपी की सरकार थी तब बीजेपी कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाती थी, अब जब केंद्र में सरकार है तो लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने की दिशा में पहल क्यों नहीं करती। मायावती ने ब्लैक मनी का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने पूछा, मोदी जी बताएं कि कब लोगों को 15-15 लाख रुपए मिल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी मायावती ने अटैक किया। उन्होंने कहा, किसी के जाने आने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात को लेकर बीजेपी भी अखिलेश सरकार को घेरने की तैयारी में है। यूपी बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर ने आज लखनऊ में पार्टी के विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर यूपी के सभी जिलों पर प्रदर्शन की चर्चा पर तैयारियों पर चर्चा की गई।
कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी यूपी के सभी थानों पर प्रदर्शन करने की तैयारी में है। बैठक में पीएम के गोरखपुर दौरे को लेकर भी चर्चा हुई। 22 जुलाई को पीएम गोरखपुर पहुंचेंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कालेधन को लेकर राम जेठमलानी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जेठमलानी ने मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि दो साल के राज में ब्लैक मनी वापस लाने के लिए मोदी सरकार ने क्या किया। यूपी में आरएलडी अकेले ही चुनाव लड़ेगी और किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। आरएलडी के महासचिव त्रिलोक त्यागी की माने तो यूपी में सभी बड़ी पार्टियां घमंड में हैं, लिहाजा उनकी पार्टी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। त्यागी ने दावा किया है कि यूपी में 2017 में बिना गठबंधन कोई सरकार नहीं बन पाएगी। यूपी के कैबिनेट मंत्री और एसपी नेता आजम खान ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर विवादित बयान दिया है। इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए बदायूं पहुंचे आजम खान ने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के लिए ऐसा सिरदर्द बन गए हैं जो किसी भी दवा से दूर नहीं किए जा सकते। बदायूं में पीएम मोदी भी आजम खान के निशाने पर है। आजम खान ने कहा कि मोदी जी ने देश से लगातार झूठे वादे किए। यूपी के आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी नेता की गुंडई एक बार फिर से सामने आई। प्रदेश के वन मंत्री दुर्गा यादव के भतीजे और ब्लॉक प्रमुख रन्नू यादव पर कोतवाली से बदसलूकी और गाली गलौज करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि एक हत्या के सिलसिले में कोतवाल ने ब्लॉक प्रमुख को रात में कॉल किया। इस बात पर उन्हें इतना गुस्सा आ गया कि ब्लॉक प्रमुख तुरंत कोतवाली पहुंच गए। आरोप ये भी है कि उस वक्त रन्नू यादव ने शराब पी रखी थी और अपने समर्थकों के साथ कोतवाली में पहुंचकर कोतवाल ईशा खां से बदसलूकी की और धमकी भी दी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफर याब जिलानी ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा। जिलानी का कहना है कि केंद्र की सरकार अभी भी हिंदुत्व के एजेंडे पर है। कॉमन सिविल कोर्ट पर जिलानी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। जिलानी का कहना है कि केंद्र सरकार सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए शिकूफे चलाती है। यूपी के फिरोजाबाद में एक वकील ने अपने बेटे के साथ मिलकर आईएएस अधिकारी को ही पीट दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सदर तहसील का है जहां आरोपी वकील अपनी किसी समस्या को लेकर एसडीएम रविंद्र कुमार से मिलने पहुंचा था। जब एसडीएम की अर्दली ने चैंबर में जाने से रोका तो वकील और उसके बेटे ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। अर्दली को पिटता देखकर जब आईएएस रविंद्र कुमार मांदेर उसे बचाने आए तो दोनों ने उन पर ही हमला कर दिया। इलाहाबाद में मॉर्निंग वॉक से लौट रहे वकील को बाइक सवार बदमाशों ने एक गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल वकील को लखनऊ पीजीआई रेफर कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक हमलावरों की पहचान कर ली गई है और आरोपियों की तलाश के लिए टीमें बना ली गई है। यूपी के बरेली के बहेड़ी इलाके के खूंखार कुत्तों ने दो मासूमों पर हमला बोल दिया। दोनों भाई खेत में खेल रहे थे तभी कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया। दोनों के शरीर से मांस नोच लिया गया। उनकी चीख सुनकर गांव वाले पहुंचे, उन्हें बचाया। दोनों बच्चों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इनमें से एक बच्चे की उम्र 8 साल की, दूसरे की 10 साल है। यूपी पुलिस का खौफनाक चेहरा एक बार फिर से सामने आया है। बागपत के बड़ौत कोतवाली इलाके मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक को थाने लाकर पुलिस ने जमकर पिटाई कर दी। पहले हाथों से फिर डंडों से जमकर पिटाई की। ये पूरा मामला कैमरे में रिकॉर्ड हो गया लेकिन जैसे ही चौकी इंचार्ज की नजर कैमरे पर पड़ी तो उसने युवक और पुलिसकर्मियों को कमरे में बंद कर दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया। यहां के राजेंद्र नगर इलाके में एक मामूली से सड़क हादसे में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने इस युवक को पहले हाथ से मारा और फिर डंडे से मारा और जब युवक जमीन पर गिर पड़ा तो उसे लात से मारा। पुलिस की बेरहमी का ये पूरा वाकया जहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। वीडियो सामने आने के बाद पिटाई करने वाले दोनों सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बेंगलुरु के होस्टकोट में तीन नाबालिग बच्चों के कपड़े उतारकर 5 लोगों ने बेरहमी से पिटाई की। बच्चे दर्द से चीखते रहे लेकिन इन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। एक शख्स ने बच्चे के हाथ को अपने पैरों से दबा दिया और दूसरे ने उसका पैर पकड़कर डंडे से पिटाई कर दी।
पुलिस के मुताबिक 9वीं क्लास के बच्चे किताब खरीदने के लिए आए थे। दुकान मालिक ने इनको चोरी करते हुए पकड़ लिया। इसके बाद दुकान मालिक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कपड़े उतारकर डंडे से इनकी पिटाई शुरू कर दी। उत्तराखंड में बादल फटने की वजह से मची तबाही के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। मुख्यमंत्री हरीश रावत बारिश और बादल फटने से प्रभावित हुए इलाके में चल रहे राहत कार्य पर समीक्षा बैठक की। उत्तराखंड तबाही को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने निर्देश जारी कर 3 महीने के लिए सभी की छुट्टियां कैंसिल कर दी है। हरीश रावत के निर्देश के बाद उन सभी पटवारी और तहसीलदारों को 6 महीने का सेवा विस्तार भी दिया गया है जो रिटायर हो गए थे। सीएम हरीश रावत ने जिलों को अतिरिक्त बजट देने का भी ऐलान किया है। उत्तराखंड में भारी बारिश से हो रही तबाही पर सूबे के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है प्रशासन चाक चौबंद है, हर जगह मदद पहुंचाई जा रही है। उत्तराखंड के पौड़ी में भारी बारिश के बीच चौफंती नदी में फंसे 10 लोगों की जान रेस्क्यू टीम ने बचाई है। रेस्क्यू ऑपरेशन ये तस्वीर उस वक्त की है जब दिल्ली के 10 लोग घूमने के इरादे से पौड़ी के जंगलों में गए थे। वापस लौटते वक्त ये सभी सिलगार नदी में फंस गए। पर्यटकों ने नदी पार करने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। सभी उपनदी नदी में फंस गए। सैलानियों के सिलगार नदी में फंसने की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और रेस्क्यू टीम को मौके पर भेजा गया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने सभी को सुरक्षित बचा लिया। कुदरत की तबाही के बाद उत्तराखंड के 8 जिले अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है जो सामान्य से काफी ज्यादा है। ये बारिश लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा सकती है। ज्यादा बारिश से राहत और बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन यहां से तेजी से राहत और बचाव कार्य चल रहा है। चमोली और पिथौरागढ़ में कई जगह बादल फटने और लैंडस्लाइड के बाद भारी तबाही हुई है। मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी ने प्रशासन की चिंता और बढ़ा दी है। उत्तराखंड ही नहीं यूपी में भी आसमानी आफत बनकर कहर बनकर टूट रही है। बारिश के दौरान इलाहाबाद में बारिश की वजह से दीवार ढहने से 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा झूसी इलाके में हुआ। बारिश की वजह से कमजोर हुई दीवार 5 मजदूरों पर गिरी जिससे सभी की मौके पर ही मौत हो गई। पीलीभीत में भी आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि 1 व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। रेलवे स्टेशन पर रोलिंग इन आउट रूम में 4 मजदूर सो रहे थे। गुजरात में पानी से बचाने के लिए कोस्ट गार्ड देवदूत बनकर आए। गुजरात के वलसाड़ में कोस्ट गार्ड के तुरंत एक्शन में आने से 10 लोगों की जान बच गई। तस्वीरें दमन गंगा नदी में अचानक पानी आने के बाद फंसे लोगों को बचाने की है। हेलीकॉप्टर एक एक करके फंसे हुए लोगों के लिफ्ट करके सुरक्षित जगह पर ले गया। करीब 1 घंटे तक ऑपरेशन में कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर ने मुसीबत में फंसे 10 लोगों की जान बचा ली। मौसम विभाग ने मुंबई में हाई टाइड की आशंका जताई है। शुक्रवार से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। मौसम विभाग की ओर से शनिवार को मुंबई में हाई टाइड की आशंका जताए जाने के बाद बीएमसी ने चेतावनी जारी कर मुंबई वालों को समंदर से दूर रहने के लिए कहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में नानोक चक्रवात से मुंबई के समुद्री तट पर अगले 5 दिनों तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि शुक्रवार को समुद्र में 4.79 मीटर ऊंची लहरें उठी। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवात उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, इससे महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। दिल्ली एनसीआर में बारिश राहत लेकर आई है। आज सुबह दिल्ली और आसपास के इलाकों में जमकर बारिश हुई। इससे दिल्ली के लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। कल मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में मानसून आने की घोषणा भी कर दी थी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में मानसून ने दस्तक दे दी है। इन इलाकों में घने बादलों के बीच कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश भी हो रही है।
डॉक्टरों पर बीमार लोगों के इलाज की जिम्मेदारी होती है, लेकिन दिल्ली के एम्स के डॉक्टर खुद बीमार हो रहे हैं। बारिश की वजह से जलभराव की दिक्कतों से आम लोगों की तरह डॉक्टर भी परेशान हैं। एम्स के डॉक्टर्स के हॉस्टल नंबर 2 की इमारत के चारों तरफ और बेसमेंट में कई दिनों से बारिश और सीवर का गंदा पानी जमा है, जिसकी वजह से मच्छर पनप रहे हैं। एम्स के डॉक्टर्स का आरोप है कि इसने कई बार डीन और दूसरे अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हैदराबाद से गिरफ्तार आईएसआईएस के 5 संदिग्धों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। एनआईए के मुताबिक 5 संदिग्ध हैदराबाद में किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश कर रहे थे, जहां हमले को अंजाम देने के लिए बम बना सके। पकड़े गए संदिग्धों में एक संदिग्ध सीरिया जाने की कोशिश भी कर चुका है। ये सभी अपने हैंडलर और आपस में बातचीत के चैट और ईमेल का इस्तेमाल करते थे। ये भी खुलासा हुआ है कि बारूद और धमाके में इस्तेमाल होने वाले केमिकल खरीदने के लिए ये लोग हैदराबाद भी बाहर गए हुए थे। इन लोगों को मिडिल ईस्ट के हवाले के जरिए पैसे मिले। इधर एमआईएम के चीफ और हैदराबाद के सांसद सुदेन ओवैसी ने आईएसआईएस के 5 संदिग्धों को कानूनी मदद देने के अपने बयान पर कायम हैं। ओवैसी ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को आतंकी बताना और आरोप लगाना सही नहीं है। ओवैसी ने शुक्रवार को हैदराबाद में कार्यक्रम में संदिग्धों को कानूनी मदद देने का ऐलान किया था। एक और जहां ओवैसी अपने बयान पर कायम है, तो दूसरी ओर कांग्रेस और बीजेपी ने ओवैसी पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि ओवैसी ने हैदराबाद में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी को कानूनी मदद देने का ऐलान किया है। यूपी में उन्नाव के युवा कल्याण विभाग में 98 लाख के गबन का मामला सामने आया। मामला खेड़ा गांव में मिनी स्टेडियम के निर्माण से जुड़ा हुआ है। जांच में पता चला है कि 98 लाख रुपए स्टेडियम के निर्माण के पूरे होने पर राजकीय निर्माण निगम को भेजा जाना था, लेकिन ये रकम वरिष्ठ लिपिक के अकाउंट में और कुछ पैसे कार्यदायी संस्थाओं में ट्रांसफर हुआ पाया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल के परिवार के ट्रस्ट का मंदिर ढहाने के लिए आज सुबह पुलिस टीम पहुंची, लेकिन मंदिर के पास की दुकान ढहाकर टीम को वापस लौटना पड़ा। पुलिस बल के साथ जिला प्रशासन बुलडोजर लेकर महादेव घाट स्थित मंदिर को ढहाने पहुंची थी, लेकिन बीजेपी और हिंदू संगठन के नेताओं के विरोध के बाद प्रशासनिक टीम बाहर बने कमर्शियल दुकानें तोड़कर वापस लौट गई। विवाद इस बात को लेकर भी है कि इस मंदिर के लिए अवैध तरीके से विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल के नाम पर बिजली का कनेक्शन दिया गया है। बाद में इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अवैध जमीन से कब्जा हटाने का आदेश दिया था। सतना के नारी निकेतन में जिस्म फरोशी के मामले में कलेक्टर ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। रघुराज नगर में एसडीएम रमेश सिंह को जांच के लिए जिम्मा सौंपा गया है। कलेक्टर ने एसडीएम को 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मध्य प्रदेश में सतना के नारी निकेतन में रहने वाली लड़कियों को जबरन जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने का मामला सामने आया है। नारी निकेतन से भागकर दमोह आई एक लड़की ने इसका खुलासा किया। लड़कियों का आरोप है कि नारी निकेतन की अधीक्षिका और नारी निकेतन में जिस्म फरोशी का धंधा चलाती हैं। रात में सिंधी कॉलोनी के रहने वाले लड़कों को नारी निकेतन में जिस्म फरोशी के लिए बुलाती हैं। दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला साउथ दिल्ली के हौज खास थाने में दर्ज कराया गया है। उमेश सहगल पर आरोप लगाने वाली महिला का आरोप है कि साउथ दिल्ली के पॉश इलाके में स्थित पंचशील क्लब के प्रेसिडेंट उमेश सहगल ने स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान उनके साथ छेड़छाड़ की और बदतमीजी भी की। महिला की माने तो उसने पहले तो इस मामले को लेकर क्लब की कमेटी में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसने महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया। महिला आयोग की दखल के बाद अब हौज खास थाने में पुलिस ने उमेश सहगल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
इस मामले में पूर्व आईएएस उमेश सहगल ने सफाई दी है और कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। हालांकि कैमरे के सामने कोई भी टिप्पणी करने से सहगल ने इनकार कर दिया। भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार नोएडा अथॉरिटी के पूर्व इंजीनियर यादव सिंह की जांच के लिए मेडिकल पैनल ने जेल का दौरा किया। कोर्ट के आदेश के बाद मेडिकल पैनल बनाया गया। पैनल ने अपनी जांच के बाद माना है कि यादव सिंह सिप डिस्क से पीड़ित हैं। यादव सिंह ने सिप डिस्क की परेशानी बताते हुए व्हीलचेयर की मांग की थी। इसके बाद कोर्ट ने मेडिकल पैनल बनाया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कश्मीर में लश्कर का कमांडर अब दुजाना सुरक्षा एजेंसियों पर बड़े हमले की साजिश कर रहा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि अब दुजाना साउथ कश्मीर में छिपा हुआ है और उसके साथ 10 आतंकियों का ग्रुप मौजूद है। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का फैसला किया है। रेलवे में यात्रियों को अब तय समय पर सुविधाओं की गारंटी मिलेगी। रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए सिटीजन चार्टर जारी कर दिया है। इसके तहत उन्हें 5 मिनट में जनरल और 30 मिनट में आरक्षित टिकट मिल जाएगा। नए चार्टर के तहत रेलवे में पार्सल की बुकिंग भी 5 मिनट और डिलीवरी 10 मिनट में होगी। रेलवे ने यात्रियों से जुड़ी दूसरी अन्य सुविधाओं की समय सीमा तय कर दी है। हर जोनल रेलवे को निर्देश दिया गया है कि वो अपना कंज्यूमर सर्विस चार्टर तैयार करें और उसे जोन के हर स्टेशन पर डिस्प्ले कराएं। डिस्प्ले में प्रत्येक सुविधाओं के सामने जिम्मेदार अधिकारी का फोन नंबर जरूर लिखा हो। रेल मंत्रालय ने ये निर्देश यात्रियों को समय पर सुविधा न मिलने की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए उठाया है। इसमें सबसे ज्यादा शिकायत जनरल टिकट्स को लेकर मिल रही थी। सातवें वेतन आयोग को लेकर 11 जुलाई से हड़ताल की चेतावनी दे चुके रेल कर्मियों ने रेल मंत्रालय ने बातचीत शुरू कर दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रेल कर्मी हड़ताल के फैसले को वापस ले लेंगे। अब दलित भी मार्केटिंग की दुनिया में ब्रांड बनने जा रहे हैं। दलित फूड्स के नाम से खाद्य उत्पादों की सीरीज शुरू की गई है, जिसके तहत आम का अचार, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर जैसे उत्पाद ऑनलाइन खरीदे जा सकेंगे। इसके जरिए कोशिश है कि दलित फूड ब्रांड एलिट क्लास के लिए किचन में न सिर्फ जगह बनाएगा बल्कि स्टेटस सिंबल भी बने। दलित चिंतक चंद्रभान प्रसाद का कहना है कि जो आजकल हेल्दी डाइट है वो एक दो पीढ़ी पहले तक दलितों का मुख्य भोजन हुआ करता था। उनकी इस कोशिश को CII का भी साथ मिला है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एंटी सर्जन डॉक्टर अश्विनी दास ने ऐतिहासिक काम करते हुए बच्चे अरुण की नाक दोबारा लगा दी। इंदौर में एक मासूम की गलत इंजेक्शन की वजह से पूरी नाक गल गई थी। ऑपरेशन के बाद अरुण की सूरत ही बदल गई है। जो लोग अरुण पर भूत प्रेत का साया मान रहे थे वो अब वाकई चौंक गए हैं। डॉक्टर अश्विनी ने मरीज अरुण पटेल के टिश्यू लेकर सिर पर नाक के कपास को उगाया है और अरुण के चेहरे पर सफलतापूर्वक उसे प्रत्यारोपित भी किया है। इस तरह डॉक्टर की वजह से अरुण पटेल की नाक बच गई है। मथुरा में वृंदावन की बांके बिहारी मंदिर ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। पिछले एक साल में यहां आने वाले भक्तों का आंकड़ा 1.25 करोड़ के पार पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के मुताबिक साल 2015 में यहां 1.26 करोड़ लोगों ने दर्शन किए। वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी के कारण मंदिर के चढ़ावे में भी इजाफा हुआ है। 3 साल में मंदिर का कोष 67 करोड़ से बढ़कर 112 करोड़ हो गया। बांके बिहारी में दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या जम्मू में वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले भक्तों से 49 लाख ज्यादा रही है। सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की लिस्टिंग के लिए वित्त मंत्रालय जल्द ही कैबिनेट नोट जारी करेगी। सरकार ने इसकी लिस्टिंग कराने का ऐलान बजट में किया था। सूत्रों के मुताबिक 4 PSU जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की लिस्टिंग के लिए कुछ हफ्तों में कैबिनेट नोट जारी करेगा। देश के 4 PSU जनरल इंश्योरेंस कंपनीज न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कॉर्पोरेटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। पिछले साल सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश की हिस्सा 26% से बढ़ाकर 49% कर दिया था। देश में 52 इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जिनमें से 24 लाइफ इंश्योरेंस है और 28 जनरल इंश्योरेंस है।
अप्रैल मई में गोल्ड इंपोर्ट में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। गिरावट 51% गिरकर 270 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई है। इसका सीधा असर चालू खाता घाटे में देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में गोल्ड की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अप्रैल मई में 2015 में 5055 करोड़ डॉलर का गोल्ड इंपोर्ट हुआ है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के मुताबिक लगातार चौथे महीने में गोल्ड इंपोर्ट 39.14% से गिरकर 147 करोड़ डॉलर पहुंच गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर है। 2015-16 की तीसरी तिमाही में भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट घटकर जीडीपी का 1.3% रहा, जबकि 2014 में 15 के मुकाबले यह आंकड़ा 1.5% था।